जय साथियों, मैं दुर्गेश आपके सामने। आपके ढेर सारे सवाल थे इस सप्ताह में, जब से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि सर बीएड बीएसटीसी का जो केस था, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई हो चुकी है, जिसका आर्डर रिजर्व कर लिया गया है, उस पर फैसला कब तक सुनाया जाएगा? आखिर उस फैसले की घड़ी कब आएगी, जब भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों का जो यह एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, पीआरटी के लिए कौन एलिजिबल है, बीटीसी या बीएड? अलग अलग यूट्यूब चैनल में आप लोग अलग अलग चीजें देख रहे होंगे, बहुत सारे भ्रामक खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे जब हम वीडियो को देखते हैं तो हम दो तरह के होते हैं, या तो मैं बीटीसी का अभ्यर्थी हूँगा या डीएलएड बीएड या बीटीसी। तो मैं उसे अपने हिसाब से देखता हूँ और कोशिश करता हूँ जो मेरे मन की बात कहते हैं, जो कहते नहीं बीटीसी रहेगा बीएड बाहर होगा, उनको बीटीसी वाले चैनल को अच्छा लगते होंगे। जो कहता होगा नहीं बीएड बाहर हो जाए वो, उनको वो बीटीसी वाले अच्छा लगता, लेकिन जिसमें यह कहा जाता होगा नहीं बीएड रहेगा वो बीएड वाले को अच्छा लगते होंगे। मैंने ऐसे तमाम तरह के यूट्यूब चैनल होंगे और तमाम तरह के लोगों की सोच होगी, तमाम तरह के लोगों की बातें होंगी, लेकिन हम और आप आज उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर में अंत में क्या होना है। जी हाँ, जो बीटीसी और बीएड का सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, जिसके ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है, अब उसके ही आधार पर आने वाले शिक्षक भर्ती का भविष्य भी टिका हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर नई शिक्षक भर्ती क्या आएगी, क्या इसका बीटीसी बीएड के केस से इसका कोई संबंध है? जी हाँ, इसका सीधा और प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक 2021 का जो यूपी टेट हुआ था उसकी मार्कशीट अभी तक नहीं जारी की जा रही है, क्योंकि वहां पर यही सवाल है कि प्राथमिक के लिए बीएड इजबल है या नहीं है। इसके लेकर वहां पर मामला को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बाद ही सभी को अपनी मार्कशीट मिल पाएगी। तो एक दिक्कत यह कि मार्कशीट नहीं मिल पाई है, तो इसलिए जब अभी एक मार्कशीट अभी तक नहीं दी जा रही है तो दोबारा टेट किस आधार पर कराया जाएगा? तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई शिक्षक भर्ती जारी की जाती है, उसकी जो निमौली होगी, उस निमौली में बीएड को सम्मिलित करें या ना करें, पीआरटी के लिए एक बड़ा चिन्ह होगा। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, ये इनकी जो सोच है वो ये चाहते हैं कि कंपटीशन करो और नौकरी लो, अर्थात बीटीसी बीएड के लिए सामने नौकरी रख दिया उन्होंने और कहा जो फाइट करेगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करेगा, जो मेरिट में आएगा, हम उसे उसको नौकरी देंगे। तो यहाँ पर योग्यता को उन्होंने पहले चरण पर रखा है, और शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय, जिस आधार पर राज्य सरकार को ये राइट था। तो लेकिन ये मामला राजस्थान में सबसे पहले उठा उठा तो यूपी में भी था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस मामले पर अपनी जो भर्ती की नियमावली तो उस पर फोकस किया और ये मामला न्यायालय में गया। तो हाईकोर्ट में, राजस्थान के हाईकोर्ट में जो बीटीसी का अभ्यर्थी थे, बीएसटीसी का अभ्यर्थी, तो उनकी जीत हुई। फिर ये मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में लंबी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को सुना और सभी सुनने के बाद सभी को, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं बीएड बाहर जा रहा है, तो अभी केवल केवल हवा हवाई चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी बाहर नहीं हो रहा है, अभी सभी के लिए रास्ते समान है। क्योंकि यहाँ पर जो एनसीईटी थी, क्योंकि जो योग्यता का निर्धारण करती, जैसे जजों की नियुक्ति किस आधार पर होगी, ये कॉलिजियम सिस्टम तय करता है कि जज की नियुक्ति कैसे होगी, या यूपीएससी का जो आयोग होता है वो ये तय करता है हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा, हमारी परीक्षा की प्रणाली कैसी होगी, वो ये तय करता है। बाकी अभ्यर्थी इस बात को लेकर नहीं कह सकते आपने क्यों सी सैट ला दी है, इस पर बच्चे नहीं, इस पर क्या होगा कि बच्चे ये कह सकते हैं सर अभी अचानक से आपने बदलाव किया, मुझे भी मौका दीजिए, हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद सिलेबस में बदलाव होगा, इस तरह की बातें के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन कोई इस बात पर नहीं जा सकता कि यूपीएससी किस आधार पर पैटर्न में बदलाव करती है। तो जो एनसीईटी जो गाइडलाइन बनाती है, तो एनसीईटी की गाइडलाइन को चैलेंज किया गया है। तो अब यहाँ पर ये मामला है कि अगर एक तरफ राज्य सरकार के पाले में गेंद है, राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने राज्य में लागू कर सकती है, दूसरी बात ये है कि एनसीईटी की जो गाइडलाइन जारी हुई वो किस हद तक योग्यता के पैमाने पर खरी उतरेगी। तो यहाँ पर एनसीईटी की योग्यता को अपनी साबित करनी है कि बीएड को प्राथमिक रखना या नहीं रखना, उसके आधार क्या होंगे, वो अपने आप को साबित करेगा। इस आधार पर तमाम तरह की बातें आएंगी, तमाम तरह की अटकलें आएंगी, लेकिन उस पर सच्चाई क्या है ये हमारे फैसला आने के बाद ही आपको स्पष्ट हो पाएगा। और एनसीटी गाइडलाइन है कि प्राथमिक में बीएड को सम्मिलित किया जाए, और यह हमारा आपका कहना नहीं है, यह 28 जून 2018 का जो एनसीटी गाइडलाइन था, तो उसका विरोध काफी लोगों ने किया और अभी तक भी लोग करते हैं। लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग का ये मानना है कि ठीक है जब बीएड इंटर तक है तो बीटीसी को भी दे दिया जाए वरीयता और सभी को प्राइमरी में मौका मिले, ऐसे तमाम तर्क भी आते हैं, और अभी क्या निर्णय निकलेगा ये कह पाना काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, बातें साफ स्पष्ट है, अगर आपने कोर्ट की सुनवाई पूरी सुनी होगी या कोर्ट के जजमेंट को आपने पूरा सुना होगा तो शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि दृष्टिकोण क्या है। लेकिन जो हमने सुना है और जो अभी आपका फैसला आएगा उसमें भी एक लंबी खाई है। खाई ये है कि जो लिखित रूप में लोगों ने अपने जो उनके कोर्ट के अंदर
आर्गुमेंट जो है उसको उन्हें लिखित रूप में भी दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुन भी नहीं पाए। अब जज की जो प्रकृति होगी और जो उनके हिसाब से जो फैसला आएगा वो सर्वमान्य को होगा। इसलिए अगर मामला कोई न्यायालय में है तो उस पर किसी प्रकार की हम या आप ये आदेश नहीं कर सकते कि यही मामला आएगा, यही फैसला आएगा, मतलब उस पर संभावनाएं लगा सकते हैं लेकिन यकीनन नहीं कहा जा सकता। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं सम्मान करता हूँ माननीय न्यायालय का, और मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं आप सभी की कोशिश करता हूँ कि आप लोग गुमराह ना हो और हमेशा अपने ट्रैक पर पढ़ते रहे। हो सकता है कि बीच के भी रास्ते निकाले जा सकते हैं माननीय न्यायालय के द्वारा कि ठीक है प्राथमिक में या ये मामला है जूनियर के लिए, जैसे बीटीसी को भी हाल ही में देखा डीएलएड को दे दिया, टीजीटी पीजीटी में भी मौका दे सकता है बीटीसी भी डीएलएड को, तो अब मौके बराबर, क्योंकि जैसे उनके लिए ब्रिज कोर्स है इनके लिए ऐसी कोई कोर्स भी ना दे कि भाई 6 महीने आप भी कोर्स करके आप टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब परीक्षा नॉलेज फाइट की हो रही है और 2 वर्ष प्रशिक्षण दोनों है, लेकिन एक एलिमेंट्री कोर्स के लिए होता है और एक होता है अपर प्राइमरी के लिए होता है, तो यहाँ पर कई चीज़ों को लेकर यहाँ पे बहस हुई है न्यायालय में। इसलिए फैसला क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा या बीच का रास्ता होगा, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि इस बात के लेकर परेशान मत हुई कि नहीं जो बीटीसी का अभ्यर्थी हैं यार नहीं मुझे नहीं पढ़ना होगा, मुझे नौकरी ऐसे मिल जाएगी। कुछ बीएड का अभ्यर्थी होंगे जिस बात के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अरे यार मैं तो बाहर हो जाऊंगा मैं नहीं पढ़ूँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी सुरक्षित हैं और आप सब अपनी तैयारी करते रहिएगा, किसी प्रकार के अफवाह में मत पड़ेगा, क्योंकि जो भी फैसला होगा पूरे देश के लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, समूह विशेष के लिए, वर्ग के लिए, लिंग जाति किसी आधार पर अलग अलग नहीं होगा। तो फिर इसलिए किसी भी प्रकार का जो भी आपके अंदर दबाव आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान है सर मेरा क्या होगा, हम तो बहुत मेहनत से किए थे, किसी ने कि माँ के गहने गिर भी हैं, किसी का घर गिर भी है, बीटीसी डीएलएड और बीएड जो भी आपने कोर्स किया है, आपके एक एक परिवार में एक बीटीसी भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, बीएड भी हैं, ऐसे चीज़ों को लेकर तीनों में आपस में विवाद हो जाता है, तो हम सब एक परिवार हैं और कल के शिक्षक परिवार हैं। तो इसलिए छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में तकरार करना, आपस में किसी प्रकार का द्वंद पालना उचित नहीं है। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, माननीय न्यायालय का फैसला सभी को मान्य हो सर्वोपरि होगा, और उम्मीद करते हैं फैसला आप सबके पक्ष में आएगा। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए, अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी मत रखिएगा। कमी दिन सेंस का मतलब क्या, कुछ लोग इंतजार करें भर्ती आएगी तब हम पढ़ेंगे, भर्ती अचानक से किसी भी दिन उसका बिगुल बज सकता है, लेकिन तैयारी की बिगुल किसी एक दिन में नहीं बजेगी। और अब ये जानते रहिए आने वाले समय में धीरे धीरे पदों की संख्या कम हो रही है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में नए आयोग की बात चल रही है और ये नया आयोग इस फैसले पर ही है कि उत्तर प्रदेश का जो नया शिक्षक आयोग बनने वाला है वो इस भर्ती के आधारशिला पर है। मतलब यह जो फैसला है इस फैसले के बाद ही नया आयोग की गठन कि जो संभावना है वो तेज हो पाएंगी। सामने चुनाव है तो चुनाव से पहले आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब कुछ लोग का सवाल आया था कि अरे सर अभी तो विधानसभा चुनाव हुआ तब क्या हुआ, तब भी भर्ती जारी हुई थी लेकिन अभ्यर्थियों ने लगातार मांग थी 97,000 पदों की, इसलिए उस मामले पर भी मामला न्यायालय में चला गया, इसलिए वो टक गया। लेकिन सरकार ने जो जीओ जारी किया था, जो विज्ञप्ति जारी की थी, उस विज्ञप्ति में उन्होंने दिखाया था कि हम लगभग 17,200 पदों पर भर्ती करना चाह रहे हैं, तो एक उम्मीद की किरण तो जगी थी ना, तो अब हम हमेशा उम्मीद पर ही चलते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर 4 साल से तो हमें, जब हम बच्चा पैदा होता है माँ बाप का, कल को आपको भी होगा या कल को आप माता या पिता बनेंगे, आप बन भी चुके होंगे कुछ लोग, तो वो अपने बच्चों को इसलिए पालते हैं, उसकी अच्छी शिक्षा देते हैं, उसका अच्छा भोजन देते हैं ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तब ये मेरा ख्याल रखेगा, ये एक उम्मीद होती है। क्या पता उनका बच्चा उनको माने या ना माने, लेकिन एक उम्मीद पर पूरी परवरिश उसकी होती है। चांद पर जीवन होगा या नहीं होगा, एक छोटी सी उम्मीद के लिए लोग चंद्रमा तक पहुंचे, मंगल ग्रह पर एक उम्मीद के लिए पहुंचे मंगल ग्रह पर जीवन होगा, तो एक उम्मीद की किरण थी जो मंगल ग्रह तक पहुंचाई, तो एक उम्मीद हमेशा जगी होनी चाहिए, छोटी उम्मीद है। मैं आज आपसे कहूं कि आपको चंद्रमा पहुंचना है लेकिन आज आप नहीं पहुंच सकते, टेक्नोलॉजी इतना आगे आगे, लेकिन आज से 50 साल से पहले भी लोग चंद्रमा पर पैर रख चुके हैं, कदम रख चुके हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो उम्मीद होती है उसी पर पूरी कायनात टिकी हुई है, और अगर जिस दिन उम्मीद डगमगा जाएगा उस दिन हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर चले जाएंगे। तो उम्मीद लगाए रखिएगा, आपके हित में होगा, पढ़ाई करते रहिएगा, अपना बेहतर देते रहेगा। अब ये नहीं हम चंद्रमा पहुंच जाएंगे उस पर काम ही ना करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कैसे हमें ऊपर जाना है, अब इस बात को सोच ही नहीं रहे, खाली सोच रहे हैं हम चंद्रमा पर कैसे जाएंगे, तो भैया जानना है एक उम्मीद होगी लेकिन उसके जाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बार आप असफल भी होंगे लेकिन अंत में यह मेहनत आपको परिणाम तक जरूर लेकर जाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस से घोड़े, और आपकी रेस हमेशा से सिलेक्शन से है, सिलेक्शन से रहेगी, और आपकी रेस हमेशा उनसे है जो आपसे मेधावी हैं, जिनको लगता है वो सिलेक्शन के करीब हैं, जो एकदम पीछे हैं रेस में। अब जैसे 7 लाख लोग 8 लाख लोग बैठेंगे तो जो 7 लाख लोग हैं, क्योंकि भर्ती जो होनी है 50,000 से 1 लाख
इसी के आसपास होनी है, तो जो बाकी 7 लाख बचेंगे वो तो रेस से बाहर है। आपकी लड़ाई उनसे नहीं है, आपको नौकरी उनसे छीननी है जो पद के असली दावेदार हैं। तो आपकी लड़ाई हमेशा उनसे होती है जो अपने आप में खुद में बेहतर होते हैं। तो आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा, अपना बेहतर दीजिएगा। और मेरी भी क्लासेज आप सभी के लिए मैराथन चल रही है इस समय सुपर टेट और KVS के लिए, जो इलर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। नेचुरल क्लासेज हैं जहाँ पर शाम के 7 बजे और रात के 9 बजे दो मैराथन चल रही है। सुबह 7 बजे आपकी करण की सीरीज जा रही है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैंने सुपर टेट विद दुर्गेश सर के नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, मतलब सौरभ जी का है, उन्होंने इस नाम से बनाया है। उस पर भी मेरी निःशुल्क क्लासेज चल रही हैं, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करके आप NCERT की किताबें पूरी पूरी पढ़ सकते हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ऐसी NCERT किताबें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ फेसबुक पर आपके सारे प्रश्न बैंक पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं कब कौन कौन सी क्लासेज आएगी। तो आप इस तरह से कर अपने आपको और बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को लोगों को शेयर करिएगा, ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो लाइक करेगा, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर सवाल का जवाब आपको मिल सके, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछेगा, यदि आपके अन्य कोई सवाल है इलर्निंग विद दुर्गेश इस वीडियो के सेक्शन पे जाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछेगा, टीम इलर्निंग विद दुर्गेश का आपके जवाब देगी। पढ़ते रहिएगा, बेहतर करते रहिएगा, सफलता आपके कदमों में होगी क्योंकि आपके सफलता के लिए आपके माँ बाप आपका परिवार इंतजार कर रहा है। मेरी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। तब तक मत हारिएगा जब तक जीत मत जाइएगा, क्योंकि आपकी जीत का इंतजार आपके माता पिता कर रहे हैं, आपका परिवार कर रहा है, और उम्मीद करते हैं आप उस जीत के लिए बेहतर और बेस्ट करेंगे। बाय बाय। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं कर तो लाइक करके रखिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा।